शो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स माई सेल्फ सरबजीत सिंह पीजीटी मैथमेटिक्स। नाउ जैसा कि आप जानते हो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की आज हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें मैं आपको मिसलेनियस कराऊंगा। तो उससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई है आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज मिसलेनियस हमारा करने के बाद हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी परम्यूटेशन कब लगेगी कॉम्बिनेशन कब लगेगी। तो उस वीडियो को चलाने से पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज जरूर देखें इंडिविजुअली कि परम्यूटेशन कब लगता है कॉम्बिनेशन कब लगता है। जब ये क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं हमारे पास तो उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसमें परम्यूटेशन का यूज होगा या कॉम्बिनेशन का यूज होगा। आओ मिलकर करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर वन ये हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे मूव कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो इन क्वेश्चन नंबर वन देयर इज अ क्वेश्चन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवल्स यानी कि दो वॉवल्स होने चाहिए उसमें ईच ऑफ टू वॉवल्स एंड थ्री कंसोनेंट्स होने चाहिए तीन इसके कंसोनेंट्स होने चाहिए। जैसा कि आप जानते हो वॉवल्स हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिकली वे में देखा जाए तो ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं और कंसोनेंट होते हैं एक्सेप्ट वॉवल्स वॉवल्स को छोड़ दिया जाए मीन्स ए ई आई ओ यू को छोड़ दें तो बाकी सब क्या होते हैं कंसोनेंट्स। सो हमें यहाँ पर दिया गया डॉटर की डॉटर से इसके कितने वर्ड हमारे क्रिएट हो जाएंगे डॉटर डी ओ यू जी एच टी ई आर हमें ये वर्ड दिया इससे हमें जो वर्ड फॉर्म करना है हमें बताया उसमें दो वॉवल्स होनी चाहिए तो इसमें वॉवल्स है कितने इसके जो वॉवल्स है वो हमारे पास है ए यू और ई मतलब तीन वॉवल्स है और कंसोनेंट्स हमारे इसमें कितने हैं कंसोनेंट्स हमारे जो है इसमें वो है डी जी एच टी और आर तो 1 2 3 4 यहाँ पर मींस ये हमारे पास थ्री वॉवल्स ये हुए और 1 2 3 4 5 5 हमारे पास कंसोनेंट्स ये तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास वर्ड्स है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन बना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज दैट इज अब थ्री वॉवल्स है उसमें से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं दो पांच हमारे पास कंसोनेंट्स है उसमें से हमें कितने कंसोनेंट्स लेने हैं तीन। अब देखो यहाँ पर हमें समझा नहीं कॉम्बिनेशन की लग रही है क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सपोज करो कोई भी जो वर्ड बन गया जिसमें दो वॉवल्स मैं यहाँ लेता हूँ मान लो मैंने वर्ड बना दिया ए यू जी एच टी अब इसकी भी तो अरेंजमेंट होगी ना जब इसको अरेंज कर सकते हैं कि ए पहले आएगा जी पहले आएगा ये तो कन्फर्म हो गया कि दो हमारे वॉवल्स आएंगे कंसोनेंट सीन आएंगे बट इसकी भी अरेंजमेंट होगी दैट्स व्हाई यहाँ पर साथ में हम लगाएंगे फाइव फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ दीज जो भी हमारे नंबर फॉर्म होंगे। सो वी गेट आंसर सिमिलरली हमारे पास आंसर आ गया 3 into 2 यहाँ पर आ गया 2 into 1 यहाँ पर भी अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 into 4 into 3 और ये आ गया 2 into 3 into 2 is equal to 3 into 2 और ये आप जानते हैं इसकी वैल्यू 120 है। तो 3 से 3 कट गया ठीक है 2 से 2 कट गया तो मतलब देखा जाए तो 5 4 से 20 23 60 60 into 120 तो हमारे पास 1200 इसका 7200 इसका आंसर आ रहा है। मतलब इतने वर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं इतने वर्ड हमारे बन सकते हैं जिसमें डॉटर से जिसमें दो वॉवल्स और तीन कंसोनेंट्स का यूज हो। तो आई थिंक कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो टोटल 6 72 होता है ठीक है 7200 हमारे पास आंसर आ गया ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ इक्वेशन और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है देखो कितना इजी है इसमें हमें बताना है कि इससे कितने वर्ड बन सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अगर हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड All letters of the word equation at least at the time so that vowels and consonants occur together. अब यहाँ पर condition क्या है कि जो vowels हैं हमारे पास and जो consonants हैं हमारे पास occur together वो एक साथ आने चाहिए ओके तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब हमने क्या करा यहाँ पर ई यू ए आई ओ ये हमारे क्या है consonants वॉवल्स हमारे क्या है ये वॉवल्स हो गए ये हमारे वॉवल्स हैं और कंसोनेंट्स हमारे क्या हो गई क्यू पी एन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 मैं हमेशा काउंट करता हूं क्योंकि एरर मैं किसी भी कीमत पे एरर का कोई चांस नहीं छोड़ना जाता। तो
तो अगर ये वॉवल्स है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे क्या बन गए, देखो इसमें क्या इसमें अरेंजमेंट कैसी हो चुकी है, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल ये बन सकते हैं। इसमें अगर मैं अरेंज करूं क्या हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अब आप एक बात और करूं, यहां पर 2 फैक्टोरियल भी आएगा, तो बताएगा ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया साथ में। यस राइट, ये पूरा अगर ये एक साथ रहेंगे, ठीक है इसको हम एक साथ मान लेते हैं, ये भी एक साथ रहेंगे, मतलब वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स अकर टुगेदर एक साथ रहेंगे मान लिया। बट ये भी तो होता है कि ये क्यूटीएन आगे आ जाए और ये सब पीछे आ जाए, तो इसको अगर मैं एक अल्फाबेट एज्यूम करूं, मान लो ए मान लेता हूं, ये पूरा एक बी है, तो ये ए बी भी होता है, बी ए भी होता है, तो दैट्स व्हाई 2 फैक्टोरियल भी आए। इसको सॉल्व करेंगे 120 या गया 6 या गया 2, तो 1440 दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से कर रहे हैं, समझना जरूर है कि वो कब हमने कॉम्बिनेशन लगानी है, कब हमने कॉम्बिनेशन लगानी है। ठीक है जी, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इसको। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म, एक 7 मेंबर्स की कमेटी को हमें फॉर्म करना है, 7 मेंबर्स कमेटी हैज टू बी फॉर्म बनेगी। ठीक है जी, अब इसमें बता रहा है हमारे पास जो बॉयज है वो है 9 एंड जो गर्ल्स है दैट इज 4। इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन व्हेन कमिटी कंसिस्ट ऑफ, पहला पार्ट कह रहा है कमिटी ऐसी बननी चाहिए, उसने बोला उसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो, उसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो, तो यहां पर हमारा जो बनेगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो क्या बनेंगे देखो 3 गर्ल्स होनी चाहिए एग्जैक्टली, तो 4 में से 3 तो गर्ल्स तो करें भाई, बाकी है 9, तो 9 में से अब बॉयज कितने होंगे भाई, नेचुरली जब 7 मेंबर्स हमने सिलेक्ट करने हैं तो 4 will be boys, तो इसको सॉल्व कर देंगे, वी गेट द आंसर, तो आफ्टर द कैलकुलेशन यू गेट द आंसर। देन सेकंड पार्ट, देर इज एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां तो होनी चाहिए, कम से कम 3 कंडीशन आई, ठीक है तो रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पर सिलेक्शन होती है कॉम्बिनेशन का यूज कर रहा है, तो देखो कम से कम 3 लड़की है, 4 में से 3 लड़की हमने ले ली और लड़की सेम एज इट इज, या और किसका मतलब होता है और, इसका मतलब है और, या हमने ऐसे कहा कम से कम 3 होनी चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकती है गर्ल्स, तो हम लेते हैं 4 गर्ल्स। अब बॉयज कितने चाहिए होंगे, क्योंकि इस कमेटी तो 7 मेंबर्स ही चाहिए, तो बॉयज कितने चाहिए, तो ये केस मार बन गया जिसमें एटलीस्ट 4 गर्ल्स होंगे। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है एट मोस्ट थ्री गर्ल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं चाहिए हमें, तो ये तो सेकंड पार्ट को तो इसलिए आप सॉल्व करोगे, उसमें देखो हम ऐसा करते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स, मतलब 3 पहले 0 हम गर्ल लेते ही नहीं है, तो बॉयज कितने होंगे 9C7, यानी कि बॉयज की 3 बना लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 में 0 केस भी इंक्लूड होते हैं, मतलब अगर मैं बोलूं मेरे साथ 7 बच्चे जाएंगे, मैं बोलता हूं मेरे साथ 2 बच्चे जाएंगे, तो 2 भी जा सकते हैं, 1 भी जा सकता है और कोई भी ना जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 ही जा सकते थे, तो नहीं जाएगा वो भी वैलिड पॉइंट माना जाता है। ऐसी आज बात करते हैं 4C1, तो ये हो गया 9C6 और आ गया 4C2, ये आ गया 9C5, ऐसे अगर देखिए तो 4C3 × 9C4, मतलब ये 4 + 9 13 था हमारे पास टोटल मेंबर्स है, ठीक है टोटल 13 था ना हमारे पास, तो इसे चेक कर सकते हो आप, टोटल हमारे पास जो था 13 था, तो 9 + 4 13 में से 7 मेंबर बन गए, 9 + 4 13 13 में से 7 मेंबर बन गए, 9 + 4 13 13 में से 7 बन गए, तो ये चेक हो गया, अभी हमारा कोई पॉइंट कटा नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स बन सकती है, तो चौथी वाली गर्ल का यहाँ पर आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन है इसमें, है ना जी, एग्जामिनेशन, कह रहा है कि इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन अ लिस्ट बिफोर, अब एज अ डिक्शनरी, ठीक है एज मेंशन इन द लिस्ट,
ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है पता है, कई को तो पता भी नहीं होगा डिक्शनरी क्या होती है। बिफोर, अभी बताता हूं आपको, बिफोर द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग विथ ई, विथ ई। अब देखो यस, डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जिसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको बहुत सारे हमें वर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम आजकल तुम गूगल पे फाइंड करते हैं, कोई वर्ड से गूगल पे टाइप करा और आगे आंसर। बट डिक्शनरी बहुत, जैसे हर घर में डिक्शनरी होती थी पहले, तो डिक्शनरी जब कोई बच्चा अच्छा था पढ़ता था तो डिक्शनरी टेबल पे होती थी कि कोई वर्ड मुश्किल आ गया तो मैं उसको कैसे पढ़ू, कैसे प्रोनाउंस करूँ, उसका क्या मीनिंग होगा। तो डिक्शनरी में क्या होता है, जितने भी ऐसे बनते हैं सब आते हैं, जितने भी से बनते हैं ऐसे ए बी सी डी ऑर्डर में चलता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है एज मेंशन्ड इन द लिस्ट, अगर वो यहां पर अगर बड़े ध्यान से समझना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे। क्वेश्चन में दोबारा रीड करूंगा, ध्यान से समझते हैं। इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। अब ई से जो पहले स्टार्ट हो रहे हैं वो वर्ड निकाल रहे हैं, तो ई से पहले वाले इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ए बी सी डी, बस तो ए वाले ही आ रहे हैं सिर्फ, तो ए से जो स्टार्ट होगी। तो अगर मैं देखूं यहां पर, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने ए को फिक्स कर दिया, ए इज फिक्स। अब मैंने ए को कर दिया फिक्स कि भाई ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, ए हमने कर दिया फिक्स, यहां पर मान लो ए हमारा फिक्स हो गया, बाकी तो बनेंगे हमारे। तो यहां पर जब ए को फिक्स कर दिया इसको मैं नहीं देखूंगा, फिक्स हो गया तो कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि हमारा जो आंसर आ गया दैट इज 10। ए को फिक्स कर दिया और बिफोर ए कह रहे, बिफोर द फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग विद ई, ई से स्टार्ट होने वाले बिफोर ए, तो वो ए से स्टार्ट होने वाले, तो ए को मैंने एक फिक्स कर दिया, बाकी को हमने क्या कर दिया, बाकी को हमने कर दिया यस अरेंज कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए फिक्स हो गया, बाकी 10 की हमने कर दी अरेंजमेंट, तो ये हमारा बन गया, ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, ओके सिक्स डिजिट नंबर बनाने हमें, सिक्स डिजिट 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर, फ्रॉम द डिजिट्स, डिजिट दिए हुए 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 दिया हुआ है, विच आर डिविजिबल बाय 10, विच आर ऐसे नंबर लेने हैं जो डिविजिबल होगा, विच आर डिविजिबल बाय 10, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, एंड रेपिटेशन इज Not allowed. No digits can be repeated. Not allowed. देखो सिंपल सी बात है, डिविजिबिलिटी 10 के लिए ये नंबर 0 यहां पर आना चाहिए, मतलब ये जो नंबर है ये यहां पर फिक्स होना चाहिए। जब ये फिक्स हो गया हमारा ये नंबर यहां पर, तो बाकी कितने नंबर आ गए, कितने रह गए, 1 2 3 4 5, तो हमारे बाकी की जो अरेंजमेंट होगी, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 5 नंबर, जैसे मर्जी रेंज कर दो, 5 विक्टोरियन, तो मीन्स 120 इज द आंसर, है ना इमेज का क्वेश्चन। तो यही यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, कि थिंकिंग प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, करना है क्या, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करो, तो आई होप कि आप ये अच्छे से समझोगे। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, द इंग्लिश अल्फाबेट, सबको पता है इंग्लिश अल्फाबेट, अगर मैं बात करूं इंग्लिश अल्फाबेट्स की, इंग्लिश अल्फाबेट उसमें वॉवल्स जो है वो 5 वॉवल्स होते हैं टोटल, ना कितनी होती है वो 26, 26 हमारे लेटर्स होते हैं, 5 हमारे जो हो गए वो क्या हो गए, एक मिनट जी, यस तो बात करते हैं, तो 5 हमारे क्या हो गए वॉवल्स, और कंसोनेंट्स कितने होते हैं 21, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 26 अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है जी। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स and 21 consonants, how many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? तो बहुत सिंपल सी बात है, सबको समझ आ रहा होगा, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, कह रहे हैं इसमें जो नंबर हम फॉर्म करेंगे, कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं जिसमें वॉवल्स जो है वो डिफरेंट, दो डिफरेंट वॉवल्स, तो 5C2
पांच में से हमने दो वन सिलेक्ट कर लिए और 21C2 इसमें दो सिलेक्ट कर लिए, जो भी दिया होगा उनकी भी अरेंजमेंट होंगी, तो 4 factorial जो हमने चार वर्ड हमने लिए होंगे उनको भी अरेंज कर देना। हमें कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड बन सकते हैं वो विद टू डिफरेंट वॉवल्स एंड टू डिफरेंट कंसोनेंट्स, तो इतने वो लेटर्स बन जाएंगे। ठीक है जी, इसको सॉल्व करके यू गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है इन एन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो ऐसा करता है हमारे पास पेपर है 12 क्वेश्चंस का हमारे पास पेपर है और हमें कह रहा है इसमें दो पार्ट डिवाइड किए गए, एक में लिखा गया पार्ट 1 और एक में लिखा गया पार्ट 2, हमें दो क्वेश्चन। और ऐसा भी बोला गया है जो पार्ट 1 है उसमें जो क्वेश्चंस है वो है 5 क्वेश्चंस है और पार्ट इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से समझना, ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस है और ये 7, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास कितना है, टोटल 12 क्वेश्चंस है। ठीक है, अब हमें वो बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन पेपर की जैसे कहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। कोई भी पेपर दो आप, लिखा होगा अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पहली यहां पर कह रहा है अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड, उसको रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसको, 8 क्वेश्चन, यानी कि स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। देखो यहां पर कह रहा है एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, हर एक पार्ट से 3 होनी चाहिए फ्रॉम ईच पार्ट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली अगर आप देखो तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो अब देखो कम से कम 3 क्वेश्चन, अब मैं एग्जाम दे रहा हूं, पेपर 12 क्वेश्चन है, 5 पार्ट 1 में और 7 पार्ट 2 में, तो मुझे अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन और मैं इंटेलिजेंट पूरे 8 की 8 करूंगा, तो आप भी 8 की 8 केसेस देखेंगे। तो 5 में से पहले हमने क्या करा कि इसमें से हमने कर दिए 3 पहले पार्ट से, और दूसरे पार्ट से कितने करूंगा मैं, 4, सिंपल सी बात है, नहीं सॉरी कितने मुझे अटेंड करना है, 8 करना है, तो कितने करूंगा इसमें से 5, तो यानी कि पहले से 3 और दूसरे से 5, यानी कि 12 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। बट मेरा मन कर रहा है, मन क्या मुझे नहीं आता मान लो, या आते हैं ज्यादा क्वेश्चन, तो और केस मैं 5 में से 4 क्वेश्चन पहले में करूंगा, बाकी 7 में भी कितने करूंगा, 4, या ऐसा होगा 5 में से 5 मुझे आते हैं पार्ट 1 में से, कर सकता ना। देखो क्राइटेरिया भी उठना चाहिए, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, बाकी बच गया 7 में से 3 कर लेता हूं, तो ये इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं बन सकते, तो दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो इसको सॉल्व करेंगे वी गेट द आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको फॉलो करके इसको जरूर करना, इन केस ऑफ एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी और हमारा डिस्क्रिप्शन में चैनल में जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें भी आप पूछ सकते हो। सो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करनी है बेटा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये हमने पहले भी करा हुआ है हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड कितने होते हैं सबको पता है, प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं और हमें कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है 5 कार्ड्स का, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ हैज एग्जैक्टली वन किंग, मतलब एक तो उसमें राजा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 किंग। तो हमने भी समझदार दिखाई, किंग कितने होते हैं भाई, 4, हमने 4 की 4 अलग कर दिए पहले, तो ताश में से ना अपने प्लेइंग कार्ड में से, और बाकी क्या रहेगा रिमेनिंग कार्ड्स कितने होंगे, वो अंडर स्टूड 48 ही होंगे, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कह दो, कॉम्बिनेशन कह दो कि 4 में से मैं 1 कार्ड लेता हूं और बाकी बच गया 48, उसमें से मैं 4 कार्ड लेता हूं, तो मेरा कॉम्बिनेशन कितने का बन रहा है, ये 5 का कॉम्बिनेशन बन गया, यानी 52 में से मुझे 5 कार्ड मिल गया, दैट इज द आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना है और अच्छे से इसको समझना है। ठीक है जी बच्चों, अब नाउ वी मूव टू अनदर पार्ट, अनदर क्वेश्चन, आई मीन टू से अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9।
Now question number 9th, that is also important. It is required to seat 5 men. हमें 5 men को बिठाना है, 5 आदमी को बिठाना है and 4 women को बिठाना है. ठीक है, 4 women को बिठाना है. In a row so that women occupy even places. जो women है वो कह रही है मैम तो occupy करेंगे भाई even places. Occupy even places. अब देखते हैं जरा ध्यान से. यहाँ पर मैं even places को ना जरा लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 ये even places हैं. तो जो हमारी odd places हैं that is 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे. तो पहले तो हम वुमेन को बिठाते हैं. वुमेन को जो बिठाना है वुमेन हमारी यहाँ बैठ सकती है. 4 वुमेन ना एक इधर बैठ गई, एक इधर बैठ गई, एक इधर बैठ गई और एक इधर बैठ गई. इसकी जरूरत नहीं हमें. ठीक है, एक इधर बैठ गई. तो यानी कि हमने जो वुमेन को अरेंज, तो तभी को ध्यान से समझना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. अब वुमेन तो उधर बैठ गई है और जो अगर देखा जाए तो मैन कितने इधर बैठ सकता है. इधर मैन बैठ सकता है, मैन इधर, इधर मैन बैठ सकता है, 2 इधर मैन बैठ सकते हैं. मैन कहाँ कहाँ मर्जी उठा दो हना जी. तो यहाँ पर मैन और यहाँ पर भी मैन बैठ सकता है. तो देखो मैन जो है वो उसके बाद कितने चांसेस है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि मैन के पास 5 फैक्टोरियल चांसेस है और वुमेन अगर अपनी जगह बदलती है तो वो 4 फैक्टोरियल है. दैट इज द आंसर. तो ये हो गया 120. ये कितना हो गया 4 × 3 = 12, 12 × 24. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 12 से तो हमारा आंसर आएगा 2880. दैट इज द आंसर. ठीक है जी. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल स्टूडेंट जो है ना क्लास में, टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन अ क्लास दैट इज 25. अब वहां पर एक पार्टी है, 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी. 10 टू बी चूजन, 10 को चूज करना है फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी. एक्सकर्शन पार्टी, अब बड़े ध्यान से देखते हैं जी. अब यहां पर कहा जा रहा है देयर आर 3 स्टूडेंट्स टू डिसाइड द आइदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नन ऑफ देम विल जॉइन. इन हाउ मेनी वेज कैन एक्सकर्शन पार्टी बी चोजन. अब देखो यहां पर भी ये दोस्ती हमने छोड़ेंगे, दोस्ती आई है. तो देखो दोस्ती क्या है, 3 बच्चों की, तो 3 दोस्त है. वो कहते भाई यहाँ तो 3 जाएंगे या 3 नहीं जाएंगे, वो ऐसा कहते. तो देखो अब हम क्या करते हैं, तो ऐसा हो सकता है देखो 10 बच्चों को चूज करना है. तो 25C पहले ऐसा करते हैं, इसको इस केस से बढ़े ना, मैं ये केस लिखूंगा आपको थोड़ा इजी समझ आ जाएगा. पहले बच्चों की बात करते हैं, 3 कह रहे हैं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे. तो हम ऐसा करते हैं जो 3 बच्चे हैं 3 में से 3 कह रहे हैं हम जा रहे हैं. भाई जब वो 3 में से 3 जा रहे हैं, बाकी हमारे पास कितने रह गए, 22 में से कितने जाएंगे, 7 जाएंगे. तो वो केस हो गया क्योंकि वो 3 बच्चे बताएंगे कि यहाँ 3 जाएंगे या नहीं जाएंगे. 3 में से कोई नहीं जा रहा, जब 3 में से कोई नहीं जा रहा बाकी बच गए 22, 22 में से टोटल 10 जाएंगे. तो ये भी वही केस है, वो 25 में से सिलेक्ट करने 3, 25 सिलेक्ट करने और सिलेक्ट करने 10, इसमें भी सिलेक्ट करने 10. तो देखो 25 में से 10 सिलेक्शन हो रही है, 25 में से 10, ये हमारा और वाला केस है. तो दो तरीके से हम लोग पार्टी पे जा सकते हैं, या तो 3 को 3 जाएंगे वो दो, 3 को 3 जाते हैं यहाँ से, तो 22 में से 7 लेने पड़ेंगे बाकी. ये 3 में 3 कोई नहीं आता तो 22 में 10 से 10 जाए. फिर ये हमारे इसके केसेस पर. तो आई होप आपको अच्छे से ही क्लियर हुआ होगा. नाउ मूव टू अनदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, असैसिनेशन ASSINATION, असैसिनेशन, इसमें ए कितने आ रहे हैं भाई, ए आ रहे हैं हमारे 1, 2, 3 बार तो ए ही आ गया इसमें. एस कितनी बार आ रहा है, सरबजीत सिंह ना, एस एस कितने आ रहे हैं 1, 2, 3, 4. ठीक है जी. आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ गया. आई भी आई 2 बार ही आ रहा है ना, असैसिनेशन. हाँ जी, आई थिंक और दो कोई भी रेपिटेशन नहीं, एन भी हो रहा है भाई, एन कहाँ पीछे रहेगा. एन कितने आ रहे हैं, एन भी 2 आ रहे हैं. तो टोटल हमारे पास ये एसोसिएशन का वर्ड है कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
टोटल 13 है इसमें से, टोटल 13 ये रिपीट हो रहे हैं। अब हमारे पास कंडीशन है ऑल द एस आर, ऑल द एस आर टूगेदर, सारे एस एक साथ होने चाहिए, तो बना लेते हैं बात। टी आई ओ एन और एक बार सारे एस एक साथ हम लेते हैं, ये कहीं भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। एस 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 एस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है अभी तुम एरर नहीं है। तो इसको अब मान लेंगे कोई एक अल्फाबेट, कोई सिंगल अल्फाबेट इसको मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको मान लेते हैं कि 10 बन गए, अब 10 हो गए, ठीक है 10 टोटल ही कितने बन गए 10। तो क्या बन गया देखो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होगा 10। अब हमारे पास अल्फाबेट हो गया तो 10 को अरेंज करेंगे, मतलब इसको एक अल्फाबेट मान ली, कहीं भी जाएंगे बनाएंगे तो टुगेदर ही ना, कहीं पर भी रख दो, लेकिन बाकियों की वजह से जैसे ए आ रहे हमारे 3 बार तो उसको नीचे 3 बार लिख देंगे। एस तो एक ही अल्फाबेट अगर छोड़ देते हैं, 2 फैक्टोरियल आ गया और ये 2 फैक्टोरियल आ गया आई के लिए और ये एन के लिए, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आज हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। और जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सो दैट देखो लाइक करने में देखो बेनिफिट ये, मैं ये हमारा जो मोटो है ना वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स का, वो है कि हम सब साथ साथ है, ठीक है। तो हम साथ साथ तभी है, ये गिव एंड टेक पॉलिसी है। अगर हम आप कुछ डिलीवर कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देन हमारी भी एक्सपेक्टेशन है कि आप भी इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, सो दैट जो बच्चा फाइनेंशियली या किसी और कारण से क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहा उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। सो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स बेसिकली कॉमर्स क्लासेस के लिए यहाँ पर है, कॉमर्स विद मैथ्स, ठीक है, साइंस के अच्छे जो मैथ्स पढ़ते हैं मैथ्स, तो कॉमर्स विद मैथ्स, तो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स आपके साथ है। सो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अब हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी नया खुल गया है, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो उसको उसको भी ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करो, कोई भी क्वेरी हो पुट करो, प्लेस करो, वहां पर आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे कॉमर्स सब्जेक्ट्स के। तो गुड बाय, टेक केयर, आई होप आपको ये प्रोपोजिशन कॉम्बिनेशन अच्छे समझ आएगा। अब मेरी नई वीडियो बाइनोमियल थ्योरम की आएगी, तो आप उसको भी ज्यादा से ज्यादा देखना, पसंद करना, शेयर करना। गुड बाय, टेक केयर।